हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये ट्रैक बना हुआ पूरा पूरा, ये दो रेल्स हैं, ये स्लीपर्स हैं। रेल के इनर डिफरेंस तो डिस्टेंस सेल्स को गेज कहते हैं। तो ये स्ट्रेट वे लाइन जा रही है, रेलवे ट्रैक जा रहा है स्ट्रेट वे। जब ट्रेन जैसे ये मूव कर रही है, यहां से ऐसे मूव कर रही है, सीधा सीधा जाई जा रही है, फिर तो जो ये दोनों रेज हैं, ये और ये वाली, ये एक ही पोजिशन में रहेंगे लाइक दिस। जैसे ये रे, मानो ये रेल आ गई, ये एक ही पोजिशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजिशन में रहेगी। तो इसके नीचे स्लीपर आ जाता है, ये रेल है, ये भी रेल है, ये दोनों रेल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हैं जब सीधे ट्रैक पे जाई जा रही है, जा रही है। लेकिन जिस टाइम कोई भी कर्व आती है, मान लो पाथ में कोई, रास्ते में कोई कर्व आ गई भाई, ये जैसे करवा रही है, तो उस टाइम क्या करती हैं, मान लो ये सीधी हॉरिजॉन्टल रखे हैं रेल्स को, दोनों रेल्स को, तो जैसे ये सीधी जाएगी, अब गाड़ी, अब ये जब ऐसे टर्न करेगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पर ओवरटर्न हो जाएगी, इधर से चली जाएगी, डिरेलमेंट हो जाएगी। डिरेलमेंट को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ये जो आउटर रेल है, ये वाली आउटसाइड की रेल है, इसको रेज किया जाता है इनर साइड से, लाइक दिस। मान लो ये हॉरिजॉन्टल आपका वो था, अब यहां पर आपका ये वाली जो है पोजिशन, वो मैंने यहां पर इसको ले आया। मैं जो सेकंड वाला आपका ये वाला ब्लॉक है, वो ये आ गया रेल, सेकंड रेल यहां पर आ गई। अब जितना रेस की है, ये इसके जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है जो लेवल डिफरेंस ऑफ टू रेल्स, इसको हम कैंट कह देते हैं, इसको कहते हैं हम कैंट, सुपर एलिवेशन भी बोल देते हैं हम इसको। हम इसको ई से ही डिनोट करते हैं। सुपर एलिवेशन को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू जीवी स्क्वेयर अपॉन 127 आर। अब ई तो आपका आ गया सुपर एलिवेशन कह लो, कैंट कह लो। जो जी है, ये गेज है, गेज का मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि गेज क्या होता है। वैसे इस मैं बताता हूँ, जो ये रेल है, रेल के जो इनर डिस्टेंस है, वन रेल सेकंड रेल, इनके बिटवीन का जो रेल टू रेल का इनर डिस्टेंस है, इज नोन एज गेज। गेज हमेशा ये मीटर्स में काउंट होता है, इनर डिस्टेंस। मान लो हम कह देते हैं कि 1 मीटर का एक गेज है, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, अलग अलग 4 गेज मैं बताइए आपको। तो ये मीटर्स में होगी। उसके बाद ये जो वी है, वी इसमें आगे स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये किलोमीटर पर आर के हिसाब से इसको करते हैं। जो आर है रेडियस, ये यहां पर रेडियस कितना, रेडियस में कर्व बनेगी। दिस इज आवर फॉर्मूला।
मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ये कहां से आया है। ई इज इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन 127 आर। हम लिखेंगे जी अगर कैन की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिखेंगे कैन इज द लेवल डिफरेंस बिटवीन टू रेल्स व्हेन इट ट्रेन पासेस थ्रू ए कर्व तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इन्फ्लुएंसेस इट। यू अवॉइड इट आउटर रेल ऑफ दैट ट्रैक। दिस टोटल इज ट्रैक द ट्रैक इज रेज्ड। ओके ये इसकी डेफिनेशन आ गई। फॉर्मूला मैंने आपको बताई दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ई इज इक्वल टू जी वी स्क्वेयर अपॉन 127 आर। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू।